अस्सलाम वालेकुम किचन विद शुभ में आपको वेलकम करते हैं। आज हमारे किचन में बनी है बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन चिली हमने बनाई है। आप इसको प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं। फ्राइड राइस की रेसिपी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन और उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर भी शो कर दूँगी, आप लोग फ्राइड राइस की रेसिपी वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने किचन की तरफ और देखते हैं चिकन चिली की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन चिली बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, जो फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि हम उसकी चिकन रेडी करेंगे। यहाँ मैंने एक अदद सीना लिया हुआ है, उसको मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी बोटी का साइज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास है 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लोर जो हमारा होता है वो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून लिया हुआ है। 2 टेबल स्पून ही मेरे पास यहाँ मैदा है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है ब्लैक पेपर। 1 टेबल स्पून विनेगर। 1 टेबल स्पून सोया सॉस। और सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं सिरका, काली मिर्च, सोया सॉस, नमक और साथ में जो हमने यहाँ रखा था मैदा और कॉर्नफ्लोर, ये दोनों चीज़ें हम इसमें डाल के और चिकन को अच्छे से मिक्स करते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं सारी बोटियों पे, ताकि ये हमारा मसाला सारा अच्छे से चिकन पे हमारे लग जाए। कप ऑयल लिया है मैंने और इसको थोड़ा सा हीट अप होने देंगे। जब हमारा ऑयल थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा तो ये चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें डाल के देखते हैं कि हमारा ऑयल हीट अप हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये सारी चिकन की बोटियाँ इसमें डालेंगे। ये आप वैसे भी बना के स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। चिकन पॉप्स या चिकन पॉपकॉर्न के नेम से भी जो हमारे मिलती हैं, सेम यही रेसिपी होती है। आप ये उस तरह से भी बना के बच्चों को दे सकते हैं, लंच वगैरह में भी दे सकते हैं। ये जो हम बाहर से चिकन नगेट्स वगैरह लेते हैं उससे बेहतर है कि अभी आपको पता है कि हालात जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो घर की जितनी अच्छी रेसिपीज़ आप बना के बच्चों को दे सकते हैं, कोशिश करें कि हर रेसिपी आप घर में ही ट्राई करें। ये हमने सारी चिकन इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छा सा क्रिस्पी सा फ्राई करेंगे। चिकन हमारी देखें बहुत ही क्रिस्पी सी रेडी हो गई है। इसको हम निकालते हैं प्लेट में और हम अपने फिर दूसरे स्टेप की तैयारी करते हैं। स्टेप 2 के लिए हमें चाहिए यहाँ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, सॉल्ट आप अपने हिसाब से रखेंगे, 1 टीस्पून है हमारे पास ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून है हमारे पास यहाँ सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून है हमारे पास यहाँ अजीनोमोटो। यहाँ मैंने इसके लिए कट किए हैं वेजिटेबल्स। यहाँ मेरे पास है 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें लेके उसके बीज निकाल के उसको इस तरह से कट किया हुआ है 4 पीसेस में। 2 गार्लिक के क्लोव्स हैं हमारे पास। 2 कैप्सिकम मैंने ली थी शिमला मिर्च दरमियानी साइज़ की, वो मैंने यहाँ क्यूब में कट करके रखी है। मैंने दोनों को डिफरेंट कट किया है, उसको मैंने स्क्वायर शेप में क्यूब में करा है और यहाँ मैंने इसके स्लाइस किए हैं ताकि दोनों में डिफरेंशिएट रहे। अगर खाते हुए हम ग्रीन चिलीज़ को हटाना चाहें तो हम इजीली हटा दें। यहाँ मैंने एक दरमियानी प्याज ली है, उसको भी मैंने यहाँ रफली स्क्वायर के उसमें क्यूब में कट करके रखा हुआ है। नंबर 2 हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल है, उसमें मैं यहाँ पर ये लहसुन के जो मैंने 2 लिए थे उसको मैंने चॉप किया है, ये हम इसमें ऐड करते हैं।
इसको बिल्कुल हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जिस तरह हम चाइनीज़ डिशेज़ में बनाते हैं इसी तरह हम चिकन चिली की भी रेसिपी बनाएंगे। यहाँ हल्का सा फ्राई करने के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये जो दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज कट की हुई थी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हुई थी वो हम इसमें डालेंगे, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्चें, और यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस, हाफ टी स्पून हमारे पास था अजीनोमोटो, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और सॉल्ट आप अपने हिसाब से, यहाँ मैंने हाफ टी स्पून लिया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी सी हमारी जूसी सी ग्रेवी रेडी हो रही है इसकी। और ये थोड़ा आपको पता है वैसे इसका नाम जो है वो चिली के उस पर है, तो ये थोड़ी स्पाइसी भी होती है। बस इसको हम 1 से 1.5 मिनट और पकाएंगे, इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारी वेजिटेबल्स की शेप है वो सारी ख़राब हो जाएगी। हल्का सा बस इसको फ्राई करेंगे। करती हूँ 3 से 4 टेबलस्पून पानी है मेरे पास, यहाँ वाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जो कॉर्नफ्लोर हमने लिया था उसमें हमने पानी डाल दिया है, वो हम इस ग्रेवी में शामिल करते हैं। ये हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, ये जो हमने चिकन निकाली थी फ्राई करके ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी सी देर के लिए हम इसको छोड़ेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, और उसके बाद फ्लेम को ऑफ करते हैं। हमारी चिकन चिली बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी है, इसको फिर हम डिश आउट करेंगे। चिकन चिली हमारा रेडी है, इसको हमने डिश आउट कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है, बहुत ही स्पाइसी बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपने व्यूज़ दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।